शाहरुख खान की फिल्म जवान की रिलीज में सिर्फ एक दिन बचे हैं। ऐसे में दर्शक काफी एक्साइटेड हैं। एक्शन से भरपूर ट्रेलर देखने के बाद अब फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, जिसमें फिल्म काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस बीच मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जिसका टाइटल है 7 सितंबर के लिए 7 सवाल, जो हर किसी को फिल्म के बारे में मजेदार जानकारी देते हैं। इस वीडियो में शाहरुख खान ने फिल्म को साइन करने की वजह बताई है, साथ ही किंग खान ने शूटिंग का मजेदार किस्सा भी शेयर किया है। आइए अब एक बार सवालों पर नजर डालते हैं। शाहरुख खान के लिए पहला सवाल, क्या ये सच है कि एटली और आप लंबे समय से साथ काम करना चाहते थे? इसका जवाब देते हुए शाहरुख खान ने कहा, बिगिल के दौरान मेरी मुलाकात एटली से हुई थी और वे CSK और KKR के मैच के लिए गए थे। इससे पहले एटली ने जवान के आइडिया पर मुझसे बात करते हुए कहा था, सर इसमें आप हैं, साथ में 5 लड़कियां हैं और ये मेरी फिल्म है, क्योंकि मेरी वाइफ प्रिया और मैं महसूस करते हैं कि जब किसी फिल्म में आपके साथ लेडीज का एक ग्रुप होता है तो आप सबसे अच्छे लगते हैं, और इस तरह जवान की शुरुआत हुई। वहीं दूसरा सवाल, विजय सेतुपति से पूछा गया कि उन्हें जवान में विलन का रोल कैसे मिला और क्या आप फिल्म में असली विलन हैं या शाहरुख खान हैं? इसके जवाब में विजय सेतुपति ने शाहरुख खान और एटली के साथ अपनी बातचीत को याद किया। उन्होंने शाहरुख खान से कहा, सर मैं आपकी फिल्म का हिस्सा बनना चाहता था। तो शाहरुख खान ने जवाब दिया, हम भी पिछले कुछ सालों से आपके बारे में सोच रहे थे और इस तरह वह इस फिल्म में आ गए। विजय ने स्मार्टली जवाब दिया कि दोनों अपनी भूमिका निभा रहे हैं और एक दूसरे के लिए विलन हैं। वहीं तीसरा सवाल, शाहरुख खान से सवाल किया गया कि वह विलन है या हीरो या फिर दोनों। इसका जवाब देते हुए शाहरुख खान कहते हैं, यह एक आम आदमी है जो हर किसी की भलाई के लिए अबनॉर्मल चीजें कर रहा है। वहीं चौथा सवाल, विजय सेतुपति से पूछा गया कि शाहरुख खान के साथ काम करने का उनका अनुभव कैसा था। इसका जवाब देते हुए विजय ने बताया कि जिस तरह से शाहरुख खान कंफर्टेबली इंटरव्यू देते हैं, वह उन्हें पसंद है और वह कितने दिलचस्प हैं और कैसे वह एक शख्स के तौर पर मैं उनके बारे में ज्यादा जानने के लिए उनसे बहुत सारे सवाल पूछता रहता हूँ। पांचवा सवाल, शाहरुख खान से पूछा गया कि क्या वह एक विलन है या सिर्फ एक बेहतरीन इंश्योरेंस पॉलिसी वाले व्यक्ति है। इस पर शाहरुख खान ने मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो गई है, क्योंकि वह कई बार चोटिल हो चुके हैं, इसलिए कोई उनका इंश्योरेंस नहीं करना चाहता। इसके अलावा उन्होंने कहा, उन्हें एक्शन फिल्में करना पसंद करने का इकलौता कारण ये है कि उनके सबसे छोटे बेटे अब्राहम को एक्शन एनिमे और सुपर हीरो वाली फिल्में काफी पसंद है और वह उसके लिए अच्छी एक्शन फिल्में करना चाहते हैं। वही छठा सवाल, विजय सेतुपति से सवाल किया गया कि वह इतने इंटेंस एंटागनिस्ट रोल के लिए कैसे तैयार करते हैं। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं स्क्रिप्ट चुनने में अच्छा हूं और मैं अपने दिमाग में कुछ और नहीं लाना चाहता। मेरा मानना है कि ये मेरे दिमाग में कलाकार को खराब कर देता है और जो मैं नहीं करना चाहता। सातवां और आखिरी सवाल, शाहरुख खान के जवान को साइन करने के पीछे क्या वजह थी? इस एक पल का जिक्र करते हुए शाहरुख खान ने कहा, एक शॉट है जहां मुझे गंजे हीरो के तौर पर पेश किया गया है और मुझे याद है कि एटली ने मेरे हाथ में बहुत सारा पाउडर डाला था और मुझे लगता है कि उस शॉट को करते समय मुझे छींक भी आ गई थी, लेकिन जब मैंने आखिरकार शॉट देखा और वह जवान साइन करने का मेरा पल था।